गाइस तो लास्ट टाइम हमने इसकी एंडिंग 1 पे इसको कंप्लीट किया था, बट आज हम इसकी एंडिंग 2 पे इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और भी बहुत सारी एनोमलीज है जो कि मैंने लास्ट टाइम फाइंड आउट नहीं करी थी, बट आज मैं वो सारी एनोमलीज को फाइंड आउट करने की ट्राई करूंगा। एंड सब है गाइस, तो तुम गैस हो सारे सारे, तो फिर तुम सबका स्वागत है फिर से कर हॉरर गेम में। तो आज हम इसका पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले और आज हम खेलने वाले शिनकेंसन 0। फिर से 0 से शुरू करेंगे, फिर से शुरू करेंगे और शुरू से खत्म करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते आज का खेला। खेला देखो, भूत मिले ना मिले उसकी गुद्दी तोड़ देनी चाहिए गाइस। ओ सॉरी गाइस, सॉरी, ओ माय गॉड, दिख गई मेरी। क्या मतलब कि मैंने किसी को रोस्ट कर दिया। मैं जा सकता हूँ नॉर्मल कार पे या फिर ग्रीन कार पे या फिर आफ्टर स्टॉपिंग ट्रेन, तो बीच में ट्रेन रुकती भी है तो मैं सीधा वहां से भी शुरू कर सकता हूँ, बट मेरे को तो 0 से शुरू करना है ना। चलो न्यू गेम शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी मैं आ चुका हूँ मेरी जापानीज हॉरर ट्रेन के अंदर। सो आई थिंक ये जापान की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है और शिनकेंसन तो बहुत मशहूर, पॉपुलर, पता नहीं हर जगह शॉर्ट्स इसके वायरल हुए पड़े शिनकेंसन, बिकॉज ये एक लग्जरी ट्रेन और बहुत तेज चलती है, सुपर फास्ट है ये, लाडले। नो एनोमली इन दिस एरिया, इसको बोलते हैं रेस्ट एरिया और यहाँ पर कोई भी एनोमली नहीं होती है। और ये है प्यारी प्यारे संडास, ये है, नहीं 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 अबे कहाँ गया, हाँ ये है, तो ये है प्यारा संडास। मेरा जब मन करेगा मैं यहाँ पे आके अपना पेंट को नीचे करके बस बैठ जाऊँ। क्या मतलब कि मैं यहाँ पर बदतमीजी कर रहा हूँ, डन इट। तो ये अपना पहला कोच, टर्न बैक इफ देयर इज एनोमली। ओके, अगर बाई चांस कोई भी यहाँ पर मेरे को एनोमली मिलती है तो मेरे को यहाँ से उल्टा जाना, POV इज दैट, डन इट। मैं यहाँ से उल्टा जाऊंगा तो मेरे को जल्दी चीजें मिलेगी। और यहाँ पर ये सीटें भी देखनी है कि ये सीटें टेढ़ी है सीधे है। मिरर्स के अंदर देख लेता हूँ, इट मीन विंडोज के अंदर देख लेता हूँ, कोई एनोमली दिखती है तो ठीक है मैं चेकआउट करूंगा, वरना भाड़ में जाए मुझे क्या, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ एनोमली देखनी और मैं यहाँ से फूट लूंगा। मुझे लगा किसी चीज का शोर आ रहा है, ये बच्चा, हेलो बच्चे, और ये बच्चा ही हमें गेम्स देगा जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब देगा गेम मेरे को, डन इट। इस बारी तो मेरे को चाहे सीधा जाऊं उल्टा जाऊं मुझे तो कुछ पता नहीं, बट आई थिंक वहां पर कोई भी एनोमली नहीं थी, थी एनोमली, मैंने ही नहीं देखी भाई। मेरे को देखनी चाहिए थी। अरे बच्चे कौन, ए मिस्टर, ओके 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 यहाँ से उल्टा जाना है, POV is that। तो बच्चे तू यहाँ से अब गायब हो जा, मुझे अपना खेले खेले पे ध्यान देने दे, निकल फुट यहाँ से, हट बदतमीज बच्चा। चलो इस बारी आई थिंक यहाँ पर वैसे भी कोई गड़बड़ थी नहीं तो मेरे को यहाँ से सीधा जाना चाहिए, डन इट। देखते कि अपने को आगे जाके क्या मिल सकता है। ओके जी, सीट्स का टेक्सचर तुम लोग देख सकते हो कि बिल्कुल अलग है, क्योंकि लास्ट टाइम हल्का हल्का व्हाइट व्हाइट से डॉट डॉट बने हुए थे सीट के अंदर, बट इस बारी सिंपल ब्लू, डन इट। यही है सबसे बड़ी एनोमली, तो टर्न बैक इफ देयर इज एनोमली। ओके, मेरे को यहीं से जाना है उल्टा। ओके डन, तो आ गया नंबर 6। मजा आ गया, बट मैं एक या दो बार बीच में जानबूझ के भी अपने आप को गलत भेजूंगा कि ताकि मेरे को बहुत सारी एनोमलीज यहाँ पे मिल सके, डन इट। देखा मैंने कहा था ना व्हाइट व्हाइट टेक्सचर था, बट लास्ट टाइम सिंपल था। सबसे पहले मैं विंडोज को चेक करूंगा कि यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, और ये बंदा हमेशा सोता रहता है और ये बंदा भी एक एनोमली में जग जाता है, वो कौन सी होगी ढूंढ लेंगे उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट पहले मैं प्रॉपर विंडोज को चेक कर लेता हूँ कि कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही ना, वरना कोई मेरी गुद्दी तोड़े आके, से पहले मैं उसकी गुद्दी तोड़ना पसंद करूंगा। ये सही है, इधर को चेकआउट करता हूँ, ये भी सही है। और ये लड़कियां हमेशा सोती रहती, इधर इतना नहीं सोते, इतना सोएगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक सेकंड, मैं यहाँ पे पहले रिफ्लेक्शन तो चेकआउट कर लू, डन इट, एवरीथिंग इज फाइन। मेरे को यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, मैंने सारी विंडो सारी सीट्स एवरीथिंग इज, मतलब कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया। अब मैं एक बार ऐसे जाके देखता हूँ उल्टा, क्योंकि जब मैं ऐसे उल्टा चलता हूँ ना तो मेरे को एक एक सीट प्रॉपर तरीके से दिखती है कि कहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है। ओके जी, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। चार का दो, चार का दो, चार का दो, चार का दो, चाय पी लो, चाय पी लो, चाय 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 चाह चाह पी लो चाह। आई थिंक इस बारी सब कुछ सही लग रहा है मेरे को। और ये ऊपर ये वाला सूटकेस भी देखना अपने को, ये भी सही है, ठीक है डन। सब कुछ तो अपने को जाना सीधा, और नंबर 5 इज कमिंग, तुम देख सकते हो नंबर 5। ये मैंने बिल्कुल सही गेस किया। ओ यहाँ पर आ चुके हैं बहुत सारे खाने पीने का सामान जो कि यहाँ पे था ही नहीं। देखो ये सीट उल्टी होगी इधर, ये सीट यहाँ पर यहाँ से ऐसे राइट साइड को लगा दी बिल्कुल सीधी अटैच करके, ये बहुत बड़ी एनोमली है, बहुत बढ़िया। और मेरे को इसका भी देखना है कि ये लड़की बैठती है नंबर 4 पे और इसका लगेज भी ठीक इसके ऊपर रखा रहता, तो मेरे को ये भी नोटिस करना था, मैं लास्ट टाइम भूल गया था, डनिट। ये है शिनकेंसन है ना, शायद यही लग रही मेरे को, तो ये कौन है, एक यहाँ पे भी रखी हुई है। चलो अरे यार मैं इसको उठा के नहीं लेके जा सकता, वरना मैं एक दो जेब में डाल लेता।
अरे ऐसा कर रहे दो ना मेरे को प्लीज डन इट। अगर कोई भी एनोमली मिलती है तो मेरे को वहां से उल्टा जाना है। नंबर 4 शुक्रिया थैंक यू सो मच फॉर ओके डन। तो मैं यहाँ से जाऊंगा ऐसे जाऊंगा ऐसे ऐसे ऐसे। इस बार ही तू सो रहा ना भाई? हाँ हाँ ठीक है भाई। वो बैक साइड की लाइट्स ऑफ हो गई भाई एकदम से, मेरे को लगा पता नहीं मतलब कि लास्ट में एकदम से अंधेरा सा हो गया था। मैं ऐसे जा रहा हूँ तो ऐसे तो मेरे को कोई भी गलती या कोई भी नई गड़बड़ दिखाई नहीं दी। ओके जी एक बार मैं इसके सारी विंडोज को अरे कहाँ फंस गया मैं फंस गया मुझे ऐसे लगा। और ये लड़की नंबर 4 पे और ये लगेज उसके ऊपर उसका सूटकेस है डन इट। मैं सारी विंडोज को चेक करता हूँ कि प्रॉपर टू प्रॉपर कि कोई भी गड़बड़ हुई या फिर कोई भी विंडोज में रिफ्लेक्शन हो कि मैं तो धड़ से पकड़ लूंगा मैं इनकी एनोमली की ऐसी की तैसी। और फिर इसके बाद अपने को जाना है एंडिंग 2 पे। ये बंदा सो रहा ना भाई? ठीक है तो सोता है बट मेरे को विंडोज पे थोड़ा सा ना ध्यान से देखने तो क्या पता रिफ्लेक्शन हो। ओ ओ ओ नहीं है नहीं है नहीं है। मेरे को तो सब कुछ लग रहा सही बिल्कुल टन टना टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 2 से 12 सब कुछ सही लग रहा है। धोखा तो नहीं है ना? धोखा धोखा छलावा हो सकता है ये। अबे कब के बच्चे तू यहाँ आ गया? अरे कहाँ गया था मैं? हाँ चलो अपने को जाना इधर। नंबर 3 सब सही था। क्या मिस किया मैंने? धोखा हो गया। मैंने कुछ तो मिस करा बट चलो क्या फर्क पड़ता है अब तो अपने को फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। 8 विंडोज में प्रॉपर देख लेता हूँ मैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सब कुछ सही लग रहा है कोई भी गड़बड़ नहीं लग रही मेरे को। ओके बट मेरे को हल्का सा डर लग रहा है। विंडोज भी सारी सही है नो रिफ्लेक्शन फाउंड और इस बिल्ली की आंखें बढ़िया लग रही है डन इट। कोई भी एनोमली मेरे को नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला कुछ भी नहीं मिला तो आई थिंक सब कुछ सही है। तो अपने को जाना सीधा ये हेडलाइन चेक करते हैं। दिस इज शिनकानसन 0 हेडेड टू टोक्यो। कोई गड़बड़ नहीं है एक सेकंड फिर से आगे ना ठीक है आगे फिर से कोई गड़बड़ नहीं है देखो सब कुछ सही था मेरी बेइज्जती मत करा ठीक है मैं दूसरी बार खेल रहा हूँ। सब कुछ सही निकला बढ़िया है अच्छा। भाई ये मक्खी घूम रही 2 घंटे से इधर। अरे हट जा यार मक्खी यहां से हट 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 हट। अबे बार बार आके मेरे स्क्रीन पे बैठ रही है पागल मक्खी। अबे देख ले क्या पता कोई भूत मेरे पीछे से ना आ रहा हो। रिफ्लेक्शन चेक आउट कर लेता हूँ रिफ्लेक्शन A to Z। और ये बंदा फिर से यहाँ पे सो रहा है। अबे बंदे तेरे बगल से बाल ये काले पीले नीले कैसे कैसे बाल है तेरे। विंडोज में रिफ्लेक्शन चेक कर लेता हूँ क्या पता विंडोज बंद भी हो रही हो मुझे पता भी ना चले। पानी आया पानी लीक हो रहा है यहाँ से। ओह माय गॉड भगवान मुझे बचा लो भगवान प्लीज। मैं इस जापानीज हॉरर ट्रेन में डूब के मरना नहीं चाहता। एक जापान ट्रेन के अंदर ए लड़की उठा जा आधा लड़की मैं तेरे को गोदी में ले लेता हूँ लड़की प्लीज जल्दी आ लड़की यहाँ से पानी आ रहा है तू भी डूब के मर जाएगी और मुझे भी डूब के मारेगी। लड़की उठ लड़की आ जा लड़की मैं तेरे को अपनी पद्दी ले लूंगा लड़की तू आ तो सही जन्मों का साथ है हमारा। बटे पानी कब तक आएगा? तो गाइस चलिए तो हमें मिल चुकी है एक नई एनोमली तो पानी के अंदर में डूब के मरना चाहता हूँ क्या फर्क पड़ता है मैं जा रहा हूँ। ओ भाई साहब एकदम से पानी का प्रेशर बढ़ा भागो भागो भागो। ओ पानी आ रहा है कोच में। ओ भाई साहब उठ जा पानी आ रहा है कोच में। एक सेकंड भाई पानी का फ्लो बढ़ रहा है मैं डूब रहा हूँ। और डूब जल्दी 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 भग जा मैं डूब गया जल्दी खोल। ओ भाई गॉड भाई ये पानी का फ्लो देखो कहाँ तक जा रहा है। मैं अब दोबारा भी जा सकता हूँ ना? वो दोबारा जा सकता हूँ मैं वहाँ पे? नहीं भाई मैं वहाँ पे दोबारा जा सकता हूँ पानी के अंदर। वाओ व्हाट ए व्यू। चल इसको बंद कर रहे भाई बस बात कम। ओके अबे मिल गई नई एनोमली आई लाइक दैट डन इट। नंबर 5 ओके डन। मैं यहाँ से जाता उल्टा जाऊंगा ऐसे उल्टा जाऊंगा तो मेरे को चीजों के बारे में जल्दी पता सो रहा नहीं बढ़िया। हाँ चलो अब मैं यहाँ से विंडोज को चेक करता हुआ जाता हूँ देखता हूँ कि क्या मेरे को कोई नई एनोमली मिलती है कि नहीं मिलती। विंडोज के अंदर ही दिख जाए क्या पता। लड़की गायब मुझे लगा कि लड़की गायब होगी। ये नंबर 4 पे और इसका सूटकेस भी नंबर 4 पे। ओके जी रिफ्लेक्शन चेक आउट करता हूँ कुछ तो गड़बड़ हो सकती है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दया अबे दया दरवाजा तोड़ दो दया। सर मेरे कंधे में दर्द है सर मैं नहीं तोड़ सकता सर प्लीज सर सॉरी दया यू आर फायर्ड। निकल जाए मेरी नजरों से दूर अभी। नंबर 5 सब कुछ सही था तो इसलिए मैं सीधा जाना प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे को एनोमली चाहिए। क्या गलत था पिछली बारी? ऐसे मत करो यार पिछली बार भी कुछ एनोमली थी जो मैंने मिस आउट कर दी ऐसे कैसे हो सकता है। एंड वो बंदा भी सो रहा है मैंने देख लिया क्योंकि अगर मैं यहाँ से मैं उल्टा जाता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से व्यू आता है और मैं देख सकता हूँ कि अगर कहीं पे कोई भी एनोमली होती है तो। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सही था ठीक है। ओके फटाफट से सारी विंडोज को चेकआउट कर लेता हूँ कुछ भी गड़बड़ होती है तो। ये बंदा क्या कर रहा सीट के नीचे? मारा तेरी पेट
अरे आज एक और एनिमल ही हमने फाइंड आउट कर लिया, बंदा यहाँ पे नीचे सो रहा है। ज़ू अबे उल्टा जाना वहां से। मैं आया किस साइड से था? हाँ मैं उसी साइड से आया था। नंबर 6 पे जाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया जो तुमने, जो तुम सीट के नीचे लौट गए। डन इट, 6 पे आ गया मैं। डन इट, रिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं विंडोज को चेक करता हूँ। ये सो रहा है? तू सोता है रहा ठीक है जिंदगी भर, बट भाई ये बंदा आँख खोल के सोता है। देखो अबे आँख खोल के, ऐसे कौन सोता पागल भाई? क्या पागल पागल बंदे रहते हैं भाई इस ट्रेन के अंदर। भाई रात में मैं यहाँ पर उस बच्चे के साथ मिलकर गेम्स खेल रहा हूँ, बट आज अपने को एंडिंग 2 तक भी जाना है। नंबर 1, यहाँ तक तो सब कुछ सही था। अब हम इस वाली रो पे चेक कर रहे थे लड़की इधर सूट के ऊपर, और वो लास्ट टाइम एक बंदा सीट के नीचे लेटा हुआ था, वेरी क्रीपी। और वो बंदा मेरे को दिखा भी नहीं था, वो तो मेरे को बस ऐसे रैंडम, और भाई इधर तो वो मेरे को ऐसे वैसे दिख गया था, वरना वो मेरे को कहाँ ही दिखता भाई। कोई एनोमली नहीं है, कोई भी एनोमली नहीं है, और सारी विंडोज भी बिल्कुल सही है। बट फिर भी कुछ ना कुछ तो होता है कि जो मुझे नहीं दिखता, जो दिखता वो होता नहीं, और जो होता वो दिखता। बगल में कोई था क्या? मेरे भैम था, भैम भैम था मेरे बगल में, भैम था मेरे भैम। भैम की कोई दवाई नहीं होती, सबको सही है। दिस इज शिनकानसेन 0 हेडेड टू टोक्यो, ये थी हेडलाइन, बट देर इज नो एनोमली इन दिस एरिया, ये हेडलाइन में नहीं थी। नो नो, ओके ओके, बंदी बैठी है, ओके डन। एनोमली हमें मिल गई कि वो हेडलाइन में नो एनोमली इन दिस कार, ये तो आता है ही नहीं। सिर्फ आता है कि ये ट्रेन टोक्यो जा रही है और कुछ नहीं आता, वो एक एनोमली थी। नंबर 5, मैं बिल्कुल सही निकला। मैं यहाँ से जाऊँगा उल्टा होता जाऊँगा, सबसे पहले ऐसे उल्टा होता जाऊँगा, तो मेरे को कोई मोटी मोटी जो चीज़ें और हरकतें होंगी वो मेरे को बहुत जल्दी दिख जाएंगी। अब तक तो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चेक कर लेता हूँ सारी विंडोज़ को, बट आई थिंक इस बार ही सब कुछ सही लग रहा है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है। और विंडोज़ के अंदर भी इसकी कोई एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शन नहीं आ रही, तो मे भी सब कुछ सही होना चाहिए। और ये बंदा अभी तक सो ही रहा है, आँख खोल के सोता है। देखो ये रहता, अब सोता रहे तो पागल आदमी। सारी विंडोज़ को चेकआउट करना पड़ेगा कि ताकि एक छोटी सी भी गलती मेरे से ना हो। अभी गलती करूंगा नहीं मैं, मेरे को गलती करनी नहीं। पीछे कौन था? अच्छा पीछे तो वही बंदा बैठा ना इधर। भाई मैं डर गया था, पीछे वो बंदा नहीं है, वो मेरे को उसमें रिफ्लेक्शन में दिख रहा था। मेरे को एक पल के लिए लगा, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, लड़ ले, कोई चक्कर ही नहीं, लड़ ले, कोई चक्कर ही नहीं, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। सीधा जाना है ना, पक्का सब कुछ सही है ना, देख लो पक्का। मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं नीचे नहीं जाना चाहता। सब कुछ सही था, बढ़िया, बहुत अच्छा, सब कुछ सही था। नंबर 4, ओके, मैं एक बार ये ऐसे जा रहा हूँ उल्टा और लेफ्ट राइट मार लूंगा अच्छे से नजर। कुछ भी गड़बड़ होगी तो मेरी चील की निगाहों से तो बच के हो जाएगा नहीं। सीटों के भी आंख है, सीट्स के आईज, और ये आईज मेरे को देख रही है, ये मेरे को देख रही, दिखाऊं? ये देखो भाई, देख रही है मेरे को। क्या वह बाहर मिल, बाहर मिल, क्या मतलब? लोकेशन भेज मेरे को, लोकेशन भेज अभी कभी मेरे को, इंस्टा पे लोकेशन भेज, जल्दी डाल स्टोरी पे, बाहर मिल तू मेरे को घूरेगा पता भी। एनोमली मिल गई मेरे को, एनोमली, बट ये सिर्फ ओनली लेफ्ट साइड वाली सीट्स पे ही है, राइट साइड वाली सीट्स पे नहीं है ये आंखें, आई बॉल्स, सीट्स के ऊपर आई बॉल्स। एक और एनोमली हमने फाइंड आउट कर ली। डन इट, अब हम पहुंच गए नंबर 3 पे। वाह बढ़िया, उल्टा जाऊंगा यहाँ से, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मेरी मोटी मोटी आंखें पहचान लेगी, चील की निगाह है। एनोमली 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 एनोमली, कुछ भी नहीं। अरे भाई सो क्यों, बहुत डर भाई, तुम लोग मानोगे नहीं, मैं था ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे आया पे, और मैंने देखा ऐसे देखा, पैर खिसके थे और ऊपर ऐसे। एनोमली मिल गई प्यारी सी लड़की, तू यहाँ पे क्या कर रही है? बट ये मेरे को घूर रही है, अगर ये मेरे को घूरती तो मैं समझता कि ये मेरे से प्यार करती है। अबे मेरे को घूर, मेरे को कोई कोई सिंबल्स दे, मेरे को कोई कोई इशारे दे कि तू मुझसे प्यार करती है प्लीज। अबे हट यहाँ से, एनोमली थी तो पीछे जा रहा था, एनोमली थी तो मैं आगे क्यों चला गया? भुलक्कड़ आदमी, प्लीज मुझे अपनी एनोमली वेस्ट नहीं करनी, मेरे को नंबर 2 पे जाना है। वो गेट बंद हो गया ना, डलिट, वो गेट बंद हो गया। हो अगली बारी से मैं बिल्कुल सीधा जाऊंगा, अगर कुछ दिखना होगा तो बस मैं दूर से देख लूंगा। अगली बारी मैं जा रहा, इस बारी बिल्कुल सीधा, कुछ भी गड़बड़ होगी तो मैं दूर से देख लूंगा।
यहाँ तक तो कुछ नहीं था, ठीक है, सब कुछ फाइन है, बढ़िया लग रहा है। और ये हेडलाइन शिनकानसन जीरो हेडेड टू टोक्यो, सिर्फ टोक्यो तो यही रिपीट होनी चाहिए, इसी को रिपीट करो। विंडोज को चेक करते जाते हैं, नंबर 4 सीट पे लड़की और इसका लगेज बढ़िया, सूटकेस। अब प्रॉपर वह सीट्स को ऐसे बाईपास टू बाईपास सर्जरी पे चेक करता हो जाऊंगा, डन इट। रिफ्लेक्शन देख विंडो में, पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़। अबे घंटा, अबे कुछ नहीं मिला मेरे को, कुछ भी नहीं मिला। ओके, ओ मैंने इस वाले आदमी को नहीं देखा, ये आदमी अब भी सो रहा है ना पक्का तू? हाँ सो ही रहा है, आंखें पाड़ के सो रहा है। आंखें खोल के सो रहा है, आई मीन टू से दैट, आंखें पाड़ के सो रहा है, आंखें खोल के सो रहा है, आंखें पाड़ के सो रहा है, बाढ़ में जाए। कुछ भी नहीं है। एक सेकंड, मेरे को वो बिल्ली की आंखें और चेक करनी थी, क्योंकि छोटी से छोटी चीजें भी अपने को बहुत कुछ सिखा सकती है। इस बिल्ली की आंखें बिल्ली की लग रही है, यहाँ पे नंबर 2 है और आगे भी नंबर 1 कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। अबे सामने भी नंबर 2 ही होगा ना, बदतमीज, सेम कोच में है तू। हाँ अरे अरे भाई, मैं ऐसे करके मेरे खुद को डरा दिया। नंबर 1 मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अंकल अब तक सो ही रहा, सॉरी अंकल नहीं भैया, अंकल बोलूंगा तो उसकी ईगो हट हो जाएगी। ईगो ये कोरे ने बोली फाइंड कर लिया आज हमने, विंडो पे क्रीपी वाले हाथ। देखिए जी आंटी जी, अगर आपने अपनी हाथों के ऊपर रेड कलर की नेल पॉलिश लगाई होती तो मैं आपको प्रपोज कर देता। काली नाखून वाली काली काली पॉलिश, इट मीन्स की तो भूत है। आई हेट यू। छोड़ भाई, वो एक एनोमली है तो अपने यहाँ से जाना, उल्टा बाय, मिलता हूँ फिर किसी जमाने में। आगे चलो, आगे चलो, आगे बढ़ते रहो। नंबर 1 0 पे आ गया और सामने टर्न बैक इफ देयर इज नो एनोमली, और अपने को पहुंचना है कंडक्टर रूम तक। मैं ऐसे उल्टा ही जाऊंगा, मेरे को कोई भी एनोमली दिखती है तो। ओके जी, कोई गलती हो तो माफ कर देना, प्लीज प्लीज माफ कर देना। मैं ऐसे उल्टा जा रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ अब तक तो कुछ दिखा है नहीं मेरे को। एक बार विंडोज के अंदर रिफ्लेक्शन भी चेक कर लूँ तो। ओ बंदी मेरी। क्या मतलब कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? क्या फर्क पड़ता है? अबे लड़की भाव दे रही तो जाओ, क्यों ना जाओ। मत जाओ, छोड़ो। विंडोज के अंदर रिफ्लेक्शन। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, इसकी आंखें प्यारी है बिल्ली तेरी आंखें, डन इट। अभी मैं राइट साइड वाले विंडोज को चेक कर रहा हूं और वो बंदा अभी भी सो रहा है। अबे तू सोता ही रहा जिंदगी भर आंखें पाड़ के। बढ़िया, अभी तक तो यहाँ पे मुझे कुछ भी दिखा है नहीं विंडोज के अंदर भी, मतलब कि सब कुछ सही है विंडोज के अंदर भी। मेरे को डर लग रहा है कोई एकदम से कोई मेरे को धप्पा ना करने आ जाए। भाई एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही दिख रहा है मेरे को। डर गया, ये टॉवल रखा हुआ था ये हैंड के नीचे और ये एकदम से मेरे ऐसे हैंड को टच करते हुए नीचे गिर गया, मैं इससे डर गया। मगर पता नहीं भाई रियल लाइफ में भूत आ गया मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं, डर गया। एवरीथिंग इज फाइन। ओए ये कौन है भाई? यहाँ पे कोई था, मैंने अभी देखा यहाँ पे कोई था। टर्न बैक इफ देयर इज नो एनोमली, उसमें कोई था, मैंने देखी उसकी दो आंखें चमकती चमकती, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे लगता कि कोई लड़की मेरा पीछा कर रही है। वो एक एनोमली थी, मेरे पहचान नहीं। और ये है कंडक्टर्स रूम, एक बारी और चेक इन करना है क्या? ट्रेन ब्रेक ले रही है क्या? कुछ तो हो रहा है, आई डोंट नो बट कुछ तो हो रहा है, एकदम से साउंड आया किसी चीज। ये लोग ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं, पता नहीं कुछ हो जाती है किसी को इंजरी, बट हमें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमने एक स्टेज पार कर लिया और अपने को जितनी एनोमली मिली मैंने ढूंढी और अब बारी है स्टेज 2 की। और यहाँ पे बच्चा होता है, और बच्चे कैसा बच्चे सुसु कर लिया है? तो गाइस अभी हम जाने वाले लग्जरीज कोचेस में, जैसा कि ये बच्चा हमें बता रहा है, और इस बच्चे के हिसाब से अपने को और एनोमलीज फाइंड आउट करनी है। बट इस बारी हम घुसेंगे लग्जरियस कोचेस के अंदर, तो वहाँ से थोड़ी अलग तरह की एक्टिविटीज और हरकतें होंगी। वन मोर थिंग, हम लोग नहीं पहुंचे थे कंडक्टर्स रूम तक, तो वो सिर्फ अभी तक हमने आधा रास्ता कवर कर रहा है, तो आधा भी और कवर करना है जो कि बच्चा बता रहा है हमें। आगे सुनो इसके। You make 3 mistakes, the ghost will get you. अगर हमने 3 गलतियां करी तो भूत खुद आके पर्सनली मेरी गुद्दी तोड़ेगा, बच्चा कह रहा है। बच्चे मैं तेरे को आगे कर दूंगा। चुप हो जा।
चुप, 2 घंटे का बोले जा रहा है, चुप हो जा। बच्चा बच्चा ज्यादा बोलते नहीं है, उनको बोलना नहीं चाहिए ज्यादा। मुंडी नीचे करके बात करा कर तू मेरे से, वो थप्पड़ खाएगा तू मेरे से। तो चले गए सभी गुस्से लग्जरियस कोचेस के अंदर और नंबर 7। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मुझे ना इससे बॉर्डर लगता था कुछ इससे। और आंटी कैसी है तू, तेरी शक्ल देख। मैं इसकी तरफ देख रहा था, देखो राइट साइड में वो डॉट सारा विंडो में ग्रीन कलर का। और इन कोचेस के अंदर कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी मेरे को, ठीक है, जो जैसा है मेरे को वैसे रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा कुछ खास चीजें होती है नहीं, बट अपने को बहुत ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोच के बिटवीन में, आई मीन टू से दैट कि इस कोच के बीच में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है इस साइड को। तो यहाँ पर अगर कुछ भी हरकतें होती है तो अपने को बहुत गौर से नोटिस करना पड़ेगा। ओके जी, समझ रहा हूँ। और अंकल जी कैसे, अंकल जी आपकी पैंट थोड़ी टाइट, सॉरी अंकल जी। और एक सबसे बड़ी बात, टर्न बैक इफ नो एनोमली। इस कोच के अंदर अपने को कोई भी गड़बड़ दिखती है तो अपने को उल्टा नहीं जाना, अपने को सीधा जाना है। अगर कोई भी गड़बड़ नहीं होती तो अपने को सीधा जाना है। और बुड्ढे अंकल जी, सारा तो सारा तेरे को है, इसकी शक्ल ही देखी थी मैंने आज तक, आज इसकी मैंने आके शक्ल देख ली। अंकल जी आप लगता है थोड़े परेशान लग रहे हैं। अंकल जी आपको मेरे सारे की जरूरत है, वो सारा मैं पीछे से दूं अंकल जी आपको। सॉरी अंकल, सॉरी, आई एम डिसरेस्पेक्टिंग यू अंकल जी। नंबर 7 वो तो मैं जानबूझ के आ रहा, ठीक है डन। अभी अपन मैं पीछे पीछे से जाऊंगा ऐसे ही, अगर कुछ भी दिख, इसको मैं कैसे भूल गया। और आंटी दी, सॉरी दीदी, दीदी ना बोलो तेरे को मैं, दीदी बड़ी प्यारी दीदी लग रही हो तुम। विंडोज के अंदर रिफ्लेक्शन और ये कुछ हरकत, इसका दूसरा थोपड़ा भी आ गया, एनोमली ये, इसके 2 थोपड़े, ये न्यू एनोमली फाउंड। और तू कैसी है, बढ़िया तू है, बढ़िया तू, बढ़िया। अगर कोई भी एनोमली मिलती है तो अपने को सीधा जाना है। नंबर 7 मार, नंबर 6 अबे आ जा, निकलो यहाँ से, ठीक है। नंबर 6 इज हियर। मैं यहाँ से ऐसे उल्टा उल्टा ही जाऊंगा, अगर कुछ भी दिखना होगा थोड़ा मोटा मोटा दिख जाएगा, बट एक बार इसको देख लूँ, इसके स्क्रीन सही है और इसके थोबड़े की कुछ भी रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रही। ओके जी, अबे क्या ये तो नहीं घूर रही ना मेरे को, ये समटाइम्स ये घूरती भी है पागल कहीं की। यहाँ के बैठा वूटा है क्या, अबे तू धक्का क्यों मारी मेरे को पागल, थप्पड़ का नाम सुना तूने, धक्का मारी मेरे को बदतमीज कहीं की, मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा स्टाफ रूम में जाके। बाबा 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 बा, सीट्स में तो कोई दिक्कत मेरे को दिख रही है नहीं, नो रिफ्लेक्शंस आर फाउंड ऑन। अरे भाई डर गया यार, अंकल तुम डरा रहे हो यार मेरे को, अंकल तेरी मोटे शक्ल के डरा दिया तूने मेरे को। हेडिंग में चेकआउट कर लेता मेरे को, यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रही। और जो हेडिंग थी, दिस इज शिनकानसन 0 हेडेड टू टोक्यो, एवरीथिंग इज फाइन, नो एनोमली इन दिस एरिया। पक्का उल्टे चलते हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सो प्लीज मेरे को जाने दो। नंबर हड़िया से पत्ता भी, नंबर कौन से पे, नंबर पे, नंबर 7। पिछली बार कुछ गड़बड़ थी तो मुझे चोरी दिखी वो, ऐसे मत करो। ओ मेरे को ये सीरियल नंबर भी चेकआउट करने पड़ेंगे यार, ये तो देखा नहीं मैंने। और आंटी प्यारी तो नहीं है तू, लेकिन तू गंदी जरूर है, इसकी शक्ल मत देख तू मेरी तरफ, सुनाई देख तू मेरी तरफ, मत देख तू। इस बारी प्रॉपर चेक करूंगा एक एक चीज को गहराई से जांच पड़ताल करूंगा, गहराई से देखूंगा। अंकल तेरी पैंट, सॉरी अंकल मैं बदतमीजी नहीं कर रहा तेरे साथ, अंकल थप्पड़ खा लेगा तू मेरे से। ओके जी, एवरीथिंग इज फाइन। ओके आंटी जी, सॉरी, इस बार भी मेरे को सब कुछ सही लग रहा भाई। अबे तू धक्का मारना बंद करेगी तू, बट इसके शक्ल पे भाई ये बड़ा अजीब सा लगता है। सब कुछ सही है, एक सेकंड ऊपर तो चेकआउट कर लू ना, क्योंकि वहां पर लगेज की जगह कोई और ही बैठा होता भाई। मैंने देखा तो लास्ट टाइम, सही है, सब कुछ सही लग रहा है मेरे को, उल्टा जाता है। और ये आंटी जो बैठी बगल, एक सेकंड आंटी तो ठीक तो है ना आंटी, आंटी तू बढ़िया लग रही है ना मुझे। यार इसकी थोपड़ी चेक कर ली थी यार, एक चीज को बार बार चेक करेगा क्या तू, चल निकल यहाँ से। नंबर 7 पे था ना मैं, तो मे बी नंबर 6 सब कुछ सही था। शुक्रिया तुमने जो हमें धोखा दिया। इसकी शक्ल, रिफ्लेक्शन और इसका कंप्यूटर सब कुछ सही है। ये हरकतें कब शुरू करेगी, मुझे इसकी हरकतों से बहुत डर लगता है, क्योंकि इसकी ऐसी शक्ल देख के और इसकी ग्रीन ग्रीन आईज। अबे तू धक्का, तू पागल है क्या, मैं जा रहा हूँ, धक्का क्यों मार रही है यार, अलग डरा देती है मेरे को। एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सही लग रहा है। ओके, ये अंकल का लगेज पता नहीं ये क्या कर रहा है, आई थिंक अंकल अपने लगेज का पासकोड भूल गया। तेरी अंकल, तेरा सामान फेंक दूंगा बाहर ट्रेन से निकाल के। इसके पैर टांगे सही है ना भाई, इसके पैर कांप रहे हो यार, इसके बगल से जाता हो ना, मेरे को बॉर्डर लगता है।
इस बारी भी सब कुछ तो भाई मेरे को लग रहा सही। इसकी मुंडी हिली गया अभी, मेरे को लगा कि ऐसे ऐसे करी उसने अपनी मुंडी। विंडोज के अंदर रिफ्लेक्शन, पीछे कौन बैठा है? वो लड़की है पीछे। ओके ओके ओके, नो वरीज, सब कुछ सही लग रहा है मेरे को तो। इसका खाना भी सेम है और इसकी शक्ल भी सही लग रही है। आई थिंक सब सही है, मेरे ख्याल से सब कुछ सही है, सब सही गैस किया। बट ये नंबर 5 पे है तो इस बारी धुआ धुआ, बाहर भी बादल गाइस। ये देखो हमारी ट्रेन बादलों में चल रही है, और ये गाइस हमारी ट्रेन उड़ रही है, ये जापान की ट्रेन हवा में भी उड़ जाती है स्पीड में चलती चलती। मेरे को यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, आई थिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर हो सकता है तो मैं यहाँ पे जम सकता हूँ मे बी। अबे सीधा जाना है क्योंकि यहाँ पे तेरे को एक एनोमली मिली है, क्योंकि पूरे के पूरे कार में धुआ ही धुआ। बट वेरी क्रीपीनेस यार, देखो आई थिंक डन इट, एक और एनोमली, बट वो मैं लास्ट वाले एपिसोड में फाइंड आउट कर चुका था। मेरे को कुछ नया चाहिए, नंबर 4। ओके, सबसे पहले मैं सीट्स को चेकआउट करूंगा। बगल में आई एक लड़की, इसकी शक्ल देख लेता हूँ, और इसका सीपीयू मतलब इसका लैपटॉप भी सही लग रहा है, सब बढ़िया लग रहा है। बट ये हरकतें करना कब शुरू करेगी, मुझे उस चीज़ का डर भी है और वेट भी है, दोनों ही चीज़ है। क्योंकि वो जब हरकतें करती है ना भाई, बड़ी गंदी। एक सेकंड, मुझे इसका खाना भी चेकआउट करना था। नहीं सेम है, उसका खाना सेम है। छोटी से छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी मेरे को कि क्या कुछ कोई गड़बड़ हो सकती कि नहीं हो सकती। सब कुछ तो सही लग रहा है भाई, सब कुछ सही है इस बारी। ये अंकल ओ भाई साहब, ये कैसे नोटिस ना हो। अंकल के नीचे पेड़ आ गया। अंकल जी, ये मुझे आपकी हरकतें बहुत पहले से ही सही नहीं लग रही थी। अंकल मुझे आपसे ये उम्मीद थी नहीं। अंकल आप इतने गिरे हुए सोच के निकलेंगे? नहीं अंकल, यार अंकल ये तुम्हारे पिछवाड़ी की जगह पेड़ है। अंकल तुम भागोगे कैसे? आंटी क्रीपी लग रही, क्रीपी। अरे अगर एनोमली होती सीधा जाना होता, मैं उल्टा क्यों जा रहा हूँ पागल? दोबारा से भाई मैं आ जाऊंगा नंबर 7 पे। नंबर 3 नेचर। हमें हमेशा नेचर से, पेड़ पौधों से, झाड़ियों से जुड़े रहना चाहिए। बड़ी बच्चा यहाँ, मैंने इस बच्चे को अब तक नोटिस नहीं करा था। बच्चे इस बच्चे को ये लगता कि हम इसी लूप में हमेशा फंसे रह सकते और हम यहाँ से कभी भी जिंदा नहीं निकल पाएंगे। बच्चे अपनी बहन के बारे में सोच। मैंने इस बच्चे को कभी यहाँ पे नोटिस करा ही नहीं भाई, बट सीरियसली ये बच्चा खुद यहाँ पे खड़ा खड़ा बहुत डरा लग रहा है। तुम देखो कितना सहमो लग रहा है। आजा बच्चे को दिया था मेरे प्यारा बच्चे। तो गाइस हमें हमेशा नेचर से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि नेचर हमारी कमजोरी है। नेचर हमारी ताकत है। सॉरी यार मजाक था। क्या बच्चा यहाँ से गायब हुआ? बस मुझे देखना है। बच्चे तू गायब हुआ यहाँ से? नहीं बच्चा इधर ही खड़ा है। बट ये बच्चा मेरे को यहाँ पे ऐसे मिला तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। बच्चे थैंक यू सो मच, वो बहुत बड़ी एनोबली थी, शुक्रिया। तेज भागना। नंबर 2 ओके। इस बार ये कोचिज कुछ अलग नहीं लग रही तुम लोगों को? राइट साइड को अजीब सा लग रहा है यार, पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा। ओ डर, अबे ये सारी सीटें बहुत पास आ रही है। निकल निकल निकल, बस यहाँ मैं सेफ हूँ। अब यहाँ पे खड़ा देखूंगा। मैं बहुत देर से सोच रहा था भाई ये डब्बा पिचक रहा है, तुम देख रहे हो डब्बा पिचक रहा है, डब्बा पिचक रहा है। वाओ न्यू एनोमली फाउंड। बस ये यहाँ पे रुक गया। ओके अच्छा मैं इनके, अरे वहां पे नहीं जाना था, वहां पे नहीं जाना था, मैं वहां पे बिल्कुल सही सेफ एरिया पे खड़ा था मैं। एट यार नंबर 7। और आई थिंक मैं 2 बार गलती कर चुका हूँ, एक बारी और गलती करी तो भूत आके मुझे मारेगा। पे भूत आके मैं पीट दूंगा यार, पर डरते का भूत से। इसके रिफ्लेक्शन विंडो सब कुछ सही। 5 दोबारा से तो नहीं पिचक रहा ये? पता नहीं बहुत अजीब सा व्यू हो गया। बट फिर से एक एनोमली की इसके नीचे झाड़ आ गया, अंकल के नीचे झाड़ आ गया, वो एक एनोमली है। बट यार ये कोचेज ना थोड़े से मेरे को अजीब से लग रहे हैं, अब पता नहीं क्यों बट लग रहे हैं। अंकल बूढ़े हैं, तू हमेशा यहीं पे क्यों खड़ा रहता है? नंबर 6 शुक्रिया। मैं उल्टा जाऊंगा, अगर कुछ भी दिखेगा तो मेरे को पहले ही दिख जाएगा। ए ए ए ए ए ए ए सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। ये आंटी मुझे घूरना कब शुरू करेगी? और ये आंटी अटैक भी करती है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ये अंकल सही है और इस बारी मुझे सब कुछ सही लग रहा है। बट अरे रुको यार, इसका खाना तो चेक कर लूं। क्या तेरे इसका ओ हाथ मिल गया, एक हाथ मिल गया, एक हाथ मिल गया। वो देखो वो सीट पे ऊपर किसी का हाथ है, पक्का वो किसी लड़की का हाथ होगा।
चलो अबे जिसका भी हो अपन एनोमली से निकल चुके हैं। नंबर 5 ओके, सिंपल सिंपल चीजें देखूंगा पहले में, ठीक है डन, वो सही है। और ये अपनी तरफ तू घूरना कब शुरू करेगी मुझे है? सब कुछ सही लग रहा है मेरे को, सब कुछ सही तो दिख रहा है, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। सूटकेस भी, ओए प्लीज सिट एट योर रिजर्व सीट, योर सीट नंबर 6 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
एनोमली गए काम से। मेरे को सीधा जाना था, मेरी कोई सीट है ही नहीं इधर भाई, मैं इस वाले कोच का हुई नहीं भाई मैं, और ये लास्ट में आके मेरे पास रुकेगा। आंटी हट जा, देख तू मुझे बता सकती है, ये मुझे झपेगा भी यार, फिर इसे शुरू करना पड़ेगा। अंकल कितना चल्लू आदमी है भाई ये बंदा, मेरे पास आके रुका। हाँ कैसा बढ़िया कैसा। और अभी वो भूत आके मारेगा, और आई थिंक मैं 3 गलती कर चुका हूँ, नहीं आई थिंक मैंने 2 गलती करी है। ओके मैंने 2 गलती करी है, अभी एक पेंडिंग है, समझ रहा हूँ मैं। शुक्रिया, समझ गया। ये लड़की आ गई है, इसको चेक कर लो एक बार, इसके साथ कोई गड़बड़ नहीं है, वो चेक करनी है ठीक है। तुम लोग गलत मीनिंग मत निकाला करो यार। और तू कब करेगी अपनी हरकतें शुरू? इसका खाना सेम है, बढ़िया। ओके 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 एवरीथिंग इज फाइन, मेरे को सब कुछ सही लग रहा है। ओ सब कुछ, इसके पैर, अंकल तुम्हारे पैर वापस आ गए, अंकल सब कुछ सही है। अरे सब कुछ सही है तो उल्टा जाना होता है, सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है। लेफ्ट राइट। ओके कैसी है तू, बढ़िया। यहाँ पे कोई बैठा उठा तो नहीं है ना, मेरे को वो भी नोटिस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैठा उठा भी होता है। और बढ़िया लेडीज, जा रहा हूँ मैं तुमसे, दोबारा मिलूंगा अगले कोच में, बैठ के बात करेंगे। नंबर 6, कोई भी गड़बड़ नहीं, पहले मैं लेफ्ट की सीट्स चेकआउट करता हूँ, सब कुछ सही है सब कुछ। इसके पास आके पता नहीं कुछ अजीब सी फीलिंग्स आती है, क्या पता ये फीलिंग्स किसी और चीज़ की फीलिंग्स हो सकती है। इसका खाना सेम है और ये आंटी भी सही लग रही है। रिफ्लेक्शन, फाइन एवरीथिंग इज फाइन, सूट के सही लग रहा है। अंकल जी के पैर देखने पड़ रही है, अंकल का पिछवाड़ा देखना पड़ता बार बार कि अंकल का पिछवाड़ा तो नहीं बदल गया। ये सब कुछ सही है, तो एनोमली है ही नहीं इधर, सब सही है। बहुत हो गया, अब मेरे को 0 तक जाना है। 5, बढ़िया, मेरे को 0 तक जाना है, बात खत्म। मैं सिर्फ मोटी मोटी हरकतें देख रहा हूँ, ये मेरी तरफ घूरती है तो हंस रही है भाई वो बहुत क्रीपी लग रही है भाई। पीछा करेगी वो, मेरा पीछा तो नहीं करेगी ना भाई, प्लीज 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 बस मुझे तुझे थोड़ा पास से देखना है। क्या स्माइल है तेरी लाडली, मेरी फटरी जल्दी जल्दी जल्दी, पक्चा। बच के भाई, वो पीछा करती है। उसने लास्ट एपिसोड में पीछा करा था। ये बादल फिर से, मैं इस वाली एनोमली को झेल चुका हूँ, दिस इज एनोमली। ये गड़बड़ है कि ट्रेन में बादल कहाँ से आ गए, ट्रेन उड़ कैसे गई, ट्रेन तो उड़ती नहीं है, भाड़ पे गई ट्रेन। शिनकानसन 0 सू। नंबर 3, नेचर से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, ये बच्चे पढ़ा इधर ही पत्ता मिसे क्या, नेचर से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। और ये झाड़ियाँ भी सबसे बड़ी एनोमली है, निकलो यहाँ से। ये झाड़ फूस एक कोच के अंदर कुछ कर ही नहीं रहा ना, तो बस POV सिंपल। वाह क्या पेड़ है ट्रेन के बीच में, अबे जाने दो यार जो भी हो मुझे क्या। ओके फाइनली अपन पहुंच चुके नंबर 2 तक। ओके जी, इस बारी ये लड़की तो हमेशा सही रहती है, लड़की तो हमेशा प्यारी क्यूट सी बन के रहती है। अब सीट्स पे कोई बैठा तो नहीं ना, कोई भूत प्रेत कोई आत्मा बैठी हो, और लास्ट टाइम ये स्माइल कर रही थी भाई, बहुत डर लगता है उसके पास जब भी जाता हूँ भाई, मां कसम मेरी तो रूह कांप जाती है। सबको सही लग रहा है ना यहाँ से? चलो यहाँ से सबको सही लग रहा है, बट एक बार ऐसे मैं चेकआउट करता हूँ, चलता हूँ पहले मैं इस साइड के चेक करूँगा, क्योंकि इस साइड क्यों ये भूत नहीं बैठी रहती, कि ताकि मेरे को डबल सेटिस्फेक्शन हो जाए कि ये भूत मेरे को घूर नहीं रही। यस वो मेरे को घूर नहीं रही। ओके बट उसके अभी मेरे को फिर से क्रॉस आउट करके जाना पड़ेगा। अबे हट ना यहाँ से, पीछे भी क्यों आ रही प्यारी लड़की यार तू भी। आई थिंक सब कुछ सही है ना पक्का, वो अंकल भी सही काम कर रहा है, सही है। बिल्ली तो नहीं है ना, हाँ ठीक है सब सही है। प्लीज नंबर वन सब सही था, ठीक है। अब बस मुझे यहाँ से निकलना है। ओ भाई साहब ये कौन खड़ा है इधर भाई, ये इनविजिबल आदमी, ये मुझे कोई औरत लग रही है। अरे सॉरी यार, तो जो भी है ये मुझे घूर रही है, दिस इज एनोमली। मुझे मत घूर, थप्पड़ मार दूंगा तेरे भी और बुड्ढे तेरे भी। अबे बुड्ढे यार तेरी टांगे सही है। क्या मतलब कि बुड्ढा चल ही नहीं पाएगा बिना टांगों के। नंबर 0, बढ़िया, लास्ट है बस। इस बारी अपने को कोई भी गलती, मतलब कि मुझे यहाँ पे अब की बारी कोई भी गलती नहीं करनी। बट इसने ना आज मेरे को घूरा नहीं,
ओके okay. इसका खाना अलग नहीं है, नहीं नहीं खाना सेम ही है, ठीक है ठीक है, नहीं नहीं नहीं, उस, नहीं उसका खाना सेम ही है, तो खाने में कोई भी गड़बड़ मेरे को तो दिखी है नहीं, तो आई थिंक सब कुछ सही लग रहा है मेरे को इस बारी भी। चलो विंडोज को चेकआउट कर लेता हूँ, और ऊपर ये सूट कैसे भी सही है, ओके एवरीथिंग इज फाइन 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 फाइन। ये बगल में भाई वो पीछे आने वाली है, ओके मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, मैं उसकी तरफ नहीं देखूंगा। अब यार वो मेरी पीछे से मेरी गर्दन ना दबा दे भाई, निकल गया। और ये भी सही है, और इसका सीपीयू भी सही है, तो सब कुछ सही लग रहा है मेरे को, सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ सही है। प्लीज प्लीज प्लीज, ये यहाँ पर उल्टे जाने का साइन क्यों था। कंडक्टर्स रूम फाइनली मैं पहुंच गया, बस सिर्फ एक बारी और गैस कर रहा है कि सब कुछ सही है या फिर सब कुछ गलत है। ये मेरी तरफ घूरेगी तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, और मेरे को वहां से भगना है। बट ना इसके बगल में भी ना किसी चीज का शेडो सा आता है, देखो बोरा कैसी है तू, बढ़िया। अबे कभी बात भी कर लिया कर मेरे से, ईगोइस्टिक पर्सन, ईगो दिखा रही मेरे को भाई। वो उल्टा जाना है या सीधा जाना है, कंडक्टर्स रूम सीधा ही है ना, अरे सीधा जाना है, मिली अपने को। अबे ट्रेन को रोकना हो तो यहाँ से डन इट, हमने ट्रेन को रोक दिया, बट अपने को जाना है अभी एंडिंग टू पे, क्योंकि अभी एंडिंग टू पर अपन तब पहुंचेगी जब अपन उस लड़की से जाके बात करेंगे। देखो अगर मैं गया यहाँ से तो ये अपनी एंडिंग वन, बट अपने को यहाँ से इधर जाना है। इतना अंधेरा क्यों है भाई इधर, वो यहाँ पर लड़की होती है एक मे बी, और इस वाली कोच में कोई मक्खी हट जा, और इस वाली कोच में यहाँ पे कोई भी नहीं है। अबे भागना भाई, ओके आई थिंक अपने को सिर्फ बिल्कुल सीधे जाना है, बिल्कुल सीधे जाना है। ओके जी लगेज है, अपने को उस वाली लड़की को लेके आना है, मे बी। देखो अभी मैं जीरो पे आया, क्या मतलब कि भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 और भाई पूरा कोच पार करके जाना पड़ेगा यार, कितने पे आ गए नंबर 1। तो यानी कि अब बिल्कुल सही जा रहा हूँ, हमने लूप को सुधार दिया है, तो अभी लूप 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जाएगी। हमने लूप को सुधार दिया है, हमने भूतिया एक्टिविटी यानी कि हमने काले टोटके को तोड़ दिया भाई। कितना है नंबर 2, मैंने काले टोटके को तोड़ दिया, तो चलते हैं फटाफट से एंड तक। भाई कोई दप्पा ना कर दे बीच में साके, मेरे तो ऐसे हिली पड़ी है भाई। एंडिंग 2 पता नहीं कैसी होगी, डोंट नो, बट देखते हैं। नंबर 3 ओके, नंबर 3 को पार कर लिया, और अभी मैं पहुंच रहा हूँ नंबर 4 पे, ठीक है। बट वो 4 उल्टा 4 है, क्योंकि अपने को ऐसे जाना था, बट उल्टा जा रहा हूँ। हम उस वाली लड़की के पास जा रहे हैं, मे बी जो कि कोच में सो रही थी, क्योंकि अभी ट्रेन रुक चुकी है, तो आई थिंक वो लड़की भी उठ चुकी होगी। ट्रेन रुक गई तो लड़की भी उठ गई, वाह। चलती बस, चलती ट्रेन, और भागती हुई लड़की के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ऐसे मैंने सुना है शायद, मे बी शायद ऐसा होता है कि नहीं होता। अब कितने पर नंबर 6 पे आ गए, ओके डन। तो आई थिंक अभी अपन लग्जेरियस कोचिंग से बाहर निकलने वाले हैं, और उस लड़की से अपनी मुलाकात होगी, तो देखते हैं कि वो क्या वो लड़की मेरे प्यार में गिरी। ये पहुंच गए, और लड़की फाइनली यू आर अवेक, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रहा था, मैंने तुम्हारे लिए भगवान से दुआएं। सो द ट्रेन वॉज नॉट स्टॉपिंग एंड इट वॉज लूपिंग। अब ट्रेन अब भी नहीं रुकी है, सिर्फ इट वॉज लूपिंग, ये क्या। And you managed to hit the brakes and stop everything. Yes, मैंने ब्रेक लगाया और मैं सब कुछ रोक दिया। लूप मोशनकना। Everything about this is so hard to believe. But I guess I have no choice but to believe you. ये मेरे पे विश्वास दिखा रही है, विश्वास कर मेरे पे, विश्वास कर। विश्वास ही प्यार की ताकत है, विश्वास। Something does not feel right. क्यों? この列車に乗った覚えはないんですけど。I don't remember boarding this train. So your brother, boy in a black hoodie. Yes. 私の弟? Ah, Naoki のことですか? Yes, yes. Ah, koi to baitha tha. それは多分 Naoki です。 Oh, Nakoi. きっと記憶をなくす。 I was with my brother before I lost my memory. अरे यार, इसकी memory lost हो गई थी? क्या चल रहा है ये? なんでここにいるのか?तेरे भाई ने ये बोला था कि हम एक लूप में फंस गए हैं और उससे हमें बाहर निकलना है, शायद कुछ ऐसा बोला था तेरे भाई ने। सो दिस का यू वर नॉट विद हिम, मैं नहीं था उसके साथ। ここに来る途中に Naoki はいましたか? Did you see him on the way here? हाँ, मेरे को मिला तो था वो रस्ते में, सैड था, रो रहा था, मैंने उसको झापट मारा और उसको बैठा दिया, और मैं बोला निकल यहाँ से। नो आफ्टर आई स्टॉप द ट्रेन, सो ना दिस ने, यू केम फ्रॉम द ग्रीन कार साइड। Then he must be on the other side. अपने को इसका भाई को ढूंढना है अब। Yes. All right then. Yes. ここから出ましょう. Let's find him and get out. अबे ये लड़की कह रही है कि हमें इसके भाई को ढूंढना है और हम इस ट्रेन से बाहर निकलेंगे. Wow. でもちょっと待ってください。そっとパタパタ。よく考えたら次にここにまた誰かが来る可能性がありますよね。तुम्हें कुछ समझ आया? नहीं आया?
Come to think of it. Okay. そんなことになったら What about the people who might end up here in the future? अबे मुझे ही क्या पता क्या होगा उनके साथ। この列車をどうにかした方がいいんじゃないですか Should not we think of a way to end this nightmare for good? तू चुप हो जा भाई मुझे इस ट्रेन से बाहर जाने दे। ループする列車。A looping place. इस ट्रेन के अंदर जो भी आएगा वो ऐसे लूप में फंसता रहेगा तो मुझे क्या वो फंसेगा तो वो अपना देखेगा ना एनीमे का何かで見た気がする I saw this in an anime or something एनीमे की बातें कर रही है ये अरे देखती है思い出しました Oh I remember अब सिग्नेचर पोज मार रहा था मैं ऐसे करके और ये ऐसे चिल्ला रही Oh I remember なんかの番組で二人で反対方向にすごいスピードで走ってループを壊してました They broke the loop by having two people run to the opposite direction really fast तो अभी हम इस वाली लूप को तोड़ने वाले हैं तो इसका कहने का ये तात्पर्य है कि मैं भागूंगा ट्रेन की उस तरफ और ये भागेगा इस तरफ तो फिर ऐसे करके ये जो लूप घूम रही है तो इस लूप को हम ऐसे करके तोड़ सकते हैं टू पीपल रन टू द अपोजिट डायरेक्शन ये भागेगी इस तरफ और मैं इस तरफ अपोजिट अब ये मेरे को मरवाएगी तो इसका हाउ अबाउट दैट ठीक है ट्राई कर लेंगे तू कह रही है तो वेट क्या वेट ऐसे वो मो लूप していないですもんね बट द ट्रेन इज नॉट लूपिंग एनीमोर ब्रेक を踏んだらループしなくなったんですよね राइट द ट्रेन स्टॉप्स लूपिंग आफ्टर हिटिंग द ब्रेक्स Oh, I know. だから一緒に発車させたらどうですか? Then what we start the train at the same. 両端から。On both hands. तो फिर अपने को ट्रेन दोनों साइड से एक साथ ऑन भी करनी पड़ेगी।私は普通車側に行くので。You can go back to the green car side. मर गया भाई। Green 車側に行ってもらってもいいですか? I will go to the normal car side. तो फिर ये जाएगी normal मैं जाऊँगा green car वाली साइड और ये मेरे को मरवाएगी अब। Sure. 一緒に頑張りましょう。Thank you. 急ぎましょう。Let's hurry. またこの列車が動き出してしまう前に。Who knows when the ट्रेन विल स्टार्ट अगेन ये लड़की चालाकी कर रही है भूतों के साथ भागे मेरे को जाना उस तरफ ठीक है जा फिर अब अबे घूर घूर ये उधर जा स्टॉप दिस कार्स और व्हाटएवर इट इज नेवर माइंड बाय बाय अबे तू भी जाना वहां पे तेरे को वहां भागना है मेरे को यहाँ भागना है भागू ना पक्का मैं जा तो रहा हूं मैं ये मेरे को मरवाएगी नॉर्मल साइड जाना था अबे मेरे को आई थिंक उस तरफ जाना है मेरे को उस तरफ जाना है इसी तरफ जाऊँ ना पक्का मैं जाऊँ नहीं मैं एक काम करता हूँ मुझे आई वॉन्ट टू चेंज डायरेक्शन मेरे को जाना है नॉर्मल कार साइड यस आई एम श्योर सबकी नो हनाशी था तो弟は多分普通車側にいると思うんです。My brother is on other side. कोई बात नहीं, मैं तेरे भाई को ले आऊँगा।弟を任せることになってしまうんですけど。Can I trust you with my brother? तूने अभी दो मिनट पहले बोला कि तू मेरे पे believe करती है और तू फिर से पूछ रही है कि तू मेरे पे trust करती है। अबे क्या क्या पलट गई यार? क्या है तेरे को? でも列車を止めることができたんですもんね。Well, you did manage to stop the. अबे रोक दूँगा मैं ट्रेन। अबे पे विश्वास कर ले, थोड़ा सा विश्वास कर ले। दल बदलू यार ये तो दो मिनट में पलट रही है अपनी बातों से। わかりました。अबे बस कर हो गया चलो अभी मैं जा रहा हूँ नॉर्मल कार साइड ओके जी अभी देखते कि अपने साथ क्या होता है प्लीज मुझे बचा ले भगवान बस वहाँ पे जाके मेरे को ट्रेन को स्टॉप करना मे बी बाय बाय लड़की तू वहाँ जा मैं जा रहा इधर चलो जी पता नहीं अपने साथ क्या होने वाला डोंट नो और अभी अपने को जाना आई थिंक नंबर 7 तक नंबर 6 पे तो मैं हूँ ही आई थिंक अभी मेरे को जाना है नंबर 7 तक जाना ना भाई मैं आ चुका हूँ नंबर 5 तक आ चुका हूँ एवरीथिंग इज फाइन सब कुछ सही लग रहा है मेरे को मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है भाई पता नहीं क्या होगा नंबर 5 पे हूँ अरे भाई साहब यही तो नहीं चाहिए था यही तो नहीं चाहिए था भाई मुझे भाई यही तो नहीं चाहिए था भाई मुझे वो खून की क्या है भाई आई थिंक उसका भाई तो नहीं चपेट दिया मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आई थिंक उसका भाई भाई लपेट दिया भाई उसका भाई लपेट दिया भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई अरे यो कौन है लाड़ अरे वो कौन है अरे भाग वो कौन आ रही पीछे से डोंट नो भाई मैं पीछे मुड़ के नहीं अरे भाई साहब बटू है कहाँ वो अरे बाबा आगे देख के भाग अरे भाई साहब गया अरे भाग ये कौन है भाई आई थिंक उसके भाई को जो लपेटा था ओके बाय तो क्या चलो तो अब की बारी मेरे को समझ आ चुका है कि कोई भूत सी आती है पीछे से आती है और वो भूत सीटों के आर पार हो सकती है बट मैं नहीं हो सकता तो अपने को वहां से बचना है और आई थिंक जहां पर अपने को टॉयलेट के बाहर वो खून के छिटे दिखते है ना तो वो उसी के अंदर वो भूतनी छिपी होती है और उससे अपने को भगना है एस्केप कर रहे हैं तो मेरे को बस सिर्फ पीछे मुड़ के नहीं देखना है तो मैं जिंदा बच जाऊंगा मैं अब की बारी ज्यादा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला जो ये देखो अब वो आएगी पीछे से अब वो आएगी देखना आजा अब आएगी एकदम से आएगी
अब की बारी आनी चाहिए यार, वो आ रही है। वो आ गई। भागना, भग जा। और वो गेटों के आर पर हो सकती है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो गेट्स के आर पर हो सकती है। बस ठीक है। एस्केप लड़ने बढ़िया। एस्केप। अरे बढ़िया। अरे भाई क्या हो रहा है यो, इतना लूप गया। और वो मेरा बहुत देर तक पीछा करने वाली है। नंबर टू अभी तो और पेंडिंग है भाई, अब क्या होगा। सीट्स पास आ रही है। कोई बात नहीं, बच गया। मैं पीछे उड़ के नहीं देख रहा, पहाड़ में गई तू। नंबर वन तक आ गया ना मैं। सीट्स फिर से पास आ रही है, हाँ सीट्स पास आ रही है। अबे सीट्स नीचे जा रही है, मैं भी नीचे जा रहा हूँ। आ जा ऊपर, आगे ऊपर पर ट्रेन रोक ले, ट्रेन रोक। लोडिंग, फाइनली आई स्टॉप द ट्रेन ना। और आई थिंक उसने भी दूसरी साइड से ट्रेन रोकती होगी, है ना। कहाँ जाना है, ट्रेन रुक गई। वाओ क्या एटमॉस्फेयर है बाहर, वाओ क्या सुंदर ट्रीज है। आई थिंक ट्रेन रुक रही है मेरे ख्याल से, है ना। यस। बट मेरे को सामने से यहाँ से भी मेरे को व्यू आ रहा है प्रॉपर। वाओ ब्यूटीफुल, बड़ा सुंदर है, बड़ा ही प्यारा डोरीमोन। वाओ व्हाट ए सुंदर व्यू। और आई थिंक अभी ट्रेन धीरे धीरे ब्रेक ले रही है, और आई थिंक जैसा कि उस लड़की ने बोला था कि वो भी दूसरी साइड जाके ट्रेन को रोकेगी, तो आई थिंक उसने भी वहां से रोक दिया और मैंने भी यहां से रोक दिया, तो अब ट्रेन रुक जाएगी। रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं, बड़ा ही प्यारा रेलवे स्टेशन है भाई, बट वो भूतनी बड़ी तेज थी यार। ओके जी, फाइनली आई सर्वाइव्ड। क्या हुआ, रोक दो ट्रेन, ट्रेन रुक गई, ट्रेन रुक चुकी है। अबे ये ट्रेन के बाहर क्या कर रहा है तू, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, क्या कर रहा है सिस। इसकी बहन आ गई, यू वोक अप, करो प्यारी बातें दोनों। नाओकी, नकोई कर रहा था मैं इसको, नकोई नोकी, यू आर ओके, आई एम फाइन नाउ मिस्टर, ओ ये यू वांट टू कम विद अस। तो फिर ये बच्चा मुझे अपने पास बुला रहा है, अबे तू जाना भाई, ट्रेन से बाहर निकलो, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओनली नो नॉट येट। आई थिंक मुझे इस ट्रेन में और ट्रेवल कर रहा है, यू आर राइट भाई, ये लड़की तू मेरी हेल्प ही कर दे भाई, इट इज नॉट योर टाइम येट भाई, ये लड़की कह रही मेरा टाइम नहीं आया, और मेरे को भी इस ट्रेन में और रुकना है। इसको पता है कि अपने साथ क्या हुआ, इट इज ओके मिस्टर, वी आर गोइंग टू बी फाइन। ओके तो फिर ये दोनों अपने चले जाएंगे, और अभी मैं इस ट्रेन में आगे ट्रेवल करूंगा। मोर इम्पोर्टेंटली क्या, यू हैव टू गेट होम। ओके भगवान करे मैं घर पे पहुंच जाऊँ। तो नहीं आ रही का तो गोसाई मस्त, थैंक यू मिस्टर, अवे यार थैंक यू, अगर तू एक हग कर लेते एंड गुड बाय, मिलते हैं यार, मुझे लगा तू मुझसे प्यार करती है। बाय। ट्रेन चल पड़ी है और मैं यहाँ पे ट्रेन में फिर से फंस चुका हूँ लूप के अंदर। वाह बढ़िया, शायद मे भी ऐसा हो सकता है, और आई थिंक अभी ये पार्ट आगे कंटिन्यू होगा, तो इसलिए मैं इस ट्रेन के अंदर रुका था, अभी मैं उठ गया। अच्छा गेम अब भी खत्म नहीं हुई, यू वोक अप। और ये बंदा तो वो था जो बंदा अपनी ट्रेन के अंदर अपना लगेज सेट कर रहा था, और वो लड़की वो थी जो कि वहाँ पर खाना बांट रही थी। यू वोक अप भाई, ये बुड्ढा भाई बुड्ढा, ये मैं फ्लोर पे नीचे गिर गया, लकीली वहाँ पे एक डॉक्टर भी था। It seems you were suffering a light form a dick when thrombrella. Or what the laymans call it, the economic class syndrome. Economic class? Lying down and raising the legs seemed to have helped. मैं नीचे पड़ा हुआ था और मैं हेल्प मांग रहा था क्या? You should be thankful he was here. Thank you uncle जी, शुक्रिया तुमने मेरी जान बचा दी, मैं तो बहुत राजी हो गया। It would have taken much longer to get help. Okay. Because the train had also stopped while you were out. Okay, train रुकी हुई थी, अच्छी बात है। वही टिकट कलेक्टर, वो बंदा वो रहा, देखो वो रहा पीछे से, वही टिकट कलेक्टर जिसने मेरी गुद्दी झपड़ी थी। मुझे लगता है कि इस ट्रेन में जितने बंदे हैं वो सारे भूत हैं। सुरेश बस। Reporting। A young woman and a boy were confirmed to be involved in the accident. Over. A young woman, एक boy, it means क्या वो लड़की और वो बच्चा ही तो भूत नहीं थे? मेरा एक्सीडेंट उन्होंने करवाया और वो टिकट वाला बंदा चला गया वहां से आगे आगे, तो कुछ बताओ। आई थिंक अभी मैं सो जाऊंगा फिर से भाई, मेरे को लग रहा है कि ये टिकट, आई थिंक ये सारे भूत है, और उन भूतों से मैंने इन सबको बचा दिया। एंडिंग टू बच्चा और ये बहन उसकी कहाँ पे जा रहे हैं?
आई थिंक वो बच्चा बच्ची भूत थे मेरे ख्याल से। अबे कौन भूत है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। और वो दोनों बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि भूत कौन था। अरे भूत कौन था। एंसो आजकल इतने रखते हैं। होप यू गाइस आप लोगों को ये वाली एंडिंग टू पसंद आए, तो लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा नीचे कमेंट कर देना कि जिससे कि मेरा दिल खुश हो जाए। और मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे कि टोटल 1000 कमेंट्स तुम करा दो इस वीडियो पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1K कमेंट्स ऑन दिस वीडियो करा सकते हो क्या मेरे लिए, देखते हैं। चलो गाइस तो फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगले ऐसे किसी इंटरेस्टिंग से गेम प्ले शॉर्ट्स लाइव स्ट्रीम या फिर कुछ भी हो सकता है। तुम लोग बहुत प्यारे हो, मिलता हूँ तुम लोग से बहुत जल्दी। सो बाय बाय। प्यारे हो तुम लोग।